ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। तेरापंथ समाज के आचार्य महाश्रमण के इस साल के वर्षावास को लेकर प्रवास व्यवस्था समिति की तरफ से जबरदस्त तैयारियां की गई हैं, जिस वजह से नंदनवन आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा नहीं हो पा रही है। भारी बारिश के बावजूद इस परिसर में व्यवस्था चाक चौबंद है। वहां की व्यवस्थाओं को सिलसिलेवार प्रातःकाल लाइव पर प्रसारित किया जा रहा है। हमारे खास शो हाले नंदनवन में अभी तक आपने यहाँ के अनेक उपक्रमों के बारे में जाना है। आज हम आपको यहाँ का प्रवचन पंडाल का अवलोकन कराएंगे। एक बड़े भूभाग में स्थित इस व्याख्यानशाला में करीब 10,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। यहाँ की बनावट अपने आप में बड़ी मनोहारी है। प्रातःकाल लाइव के लिए प्रवचन पंडाल की ये रिपोर्ट लेकर आपसे रूबरू है मनीष पालीवाल। क्योंकि मुंबई में ये चातुर्मास हो रहा है तो मुंबई की प्रतिकृति भी यहाँ पर बनाई गई है। मेरे सामने जो आप देख पा रहे हैं, ये मुंबई का वीटी स्टेशन है, जिसे छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के नाम से जाना जाता है। इसकी बहुत ही उमदा और शानदार जो है प्रतिकृति यहाँ बनाई गई है। अब हम आपको मंच पर लेकर चलते हैं, आइए हमारे साथ। मेरे सामने जो आप देख रहे हैं तीर्थंकर समस्वरण, जहाँ पर विराजकर गुरुदेव प्रतिदिन प्रवचन देते हैं, और इसके ठीक सामने पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग तरीके से बैठने की व्यवस्था की गई है। ये खाली पंडाल हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि अगर भीड़ होती या लोग होते तो आवाज़ें ज़्यादा आती, इसलिए हमने आपको ये दिखाया है। यहाँ पर बहुत सुंदर व्यवस्थाएँ की गई है। मंच पर जितने भी आचार्य हुए हैं अब तक तेरापंथ धर्म संघ के, उन तमाम आचार्यों के फोटोग्राफ्स लगाए गए हैं और एक बहुत ही अच्छा उमदा तरीके का मंच बनाया गया है। इस मंच पर भगवान महावीर की एक बड़ी सी प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसमें कल्पवृक्ष दिखाया गया है। कल्पवृक्ष अध्यात्म का एक बहुत बड़ा गोतक समझा जाता है, यानी जीवन में हम कल्पवृक्ष के माफिक बनकर अपना उद्धार कर सकें। अब हम पहुंच चुके हैं मंच पर। मंच के बिल्कुल मध्य में गुरुदेव के विराजने के लिए स्थान बनाया गया है। गुरुदेव यहाँ विराजते हैं, यहाँ से बैठकर ही पूरे प्रांगण को संबोधित करते हैं। यह आप दूर तक देख पा रहे हैं, बहुत ही सुंदर व्यवस्था यहाँ की गई है। महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग खंड बनाए गए हैं, VIPs के लिए अलग बैठने की व्यवस्था है, और जो दूर तक बैठते हैं उनके लिए LEDs की व्यवस्था की गई है ताकि वो गुरुदेव के प्रवचन को ध्यानपूर्वक सुन सके। गुरुदेव के ठीक बाईं ओर महासती जी के बैठने का स्थान है, जहाँ पर तेरापंथ धर्म संघ की महासती विराजित होती हैं, और उसके ठीक दाहिनी ओर तमाम संत और मुनिवर विराजते हैं। प्रतिदिन यहाँ होने वाले प्रवचन में अलग अलग विषय होते हैं। ये विषय व्यक्तियों के दिल को छूते हैं और उनके जीवन में एक नई ताजगी लेकर लौटते हैं। इस परिसर में जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये तमाम लोग दूरदर्शनार्थी यहाँ बैठे हैं, जो परिवार के साथ आए हैं, कुछ मंडल के साथ आए हैं, कुछ सभा के सदस्यों को साथ लेकर आए हैं। ये तमाम लोग गुरुदेव से मिलेंगे, अपने अपने क्षेत्र की जो भी आध्यात्मिक सामाजिक गतिविधियाँ हैं उनसे अवगत करवाएंगे। गुरुदेव से मिलने का ये सिलसिला सुबह से लेकर शाम तक चलता रहता है और गुरुदेव इन तमाम लोगों की बातों को सुनकर अपना उचित मार्गदर्शन उन्हें देते हैं। जैसा कि हमारे साथी मनीष पालीवाल ने आपको नंदनवन के प्रवचन पंडाल के बारे में बताया और यहाँ की काफी सारी जानकारी दी, तो आज इसी सिलसिले में अभी हम बात करेंगे प्रवचन पंडाल को बनाने में मुख्य भूमिका निभाने वाले भूपेश कोठारी जी से, जिन्होंने इस प्रवचन पंडाल को बनाने में मुख्य भूमिका निभाई है और क्या रणनीति अपनाई थी, ये हम उनसे जानेंगे। प्रवचन पंडाल, हमारा मुख्य प्रवचन पंडाल, इसका नाम तीर्थंकर समस्वरण है। आप देख रहे हैं साथ में 11वें आचार्य आचार्य महास्वामी जी का पदार्पण 28 जून को हुआ था और लगभग एक माह संपूर्ण होने आए हैं। और पंडाल के पीछे जो भूमिका चली आ रही है, इसकी पहले तो हमने पेपर में पूरी प्लानिंग की कैसे बनाना है, कैसे करना है, क्या आउटपुट आएगा और क्या रिजल्ट आने वाला है। जो हमने सोचा है ये 400 फुट लंबाई में है और 180 फुट चौड़ाई में है। जो चौड़ाई 180 फीट है उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, 40 फुट लेफ्ट साइड, 100 फुट बीच का पूरा स्पैन है और 40 फुट राइट साइड। ये बीच का 100 फुट है वो बहुत टेक्निकली एक डिफिकल्ट जॉब था,
कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, कैसे बनाना है, क्योंकि लगभग संभवत अभी तक 80 फुट या 100 फुट के बनते आए हुए, 100 फुट अभी तक इतिहास में अभी तक मेरे हिसाब से अभी तक बने नहीं है, क्योंकि उसकी कैंची बनती है, टेक्निकली काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ती है सेफ्टी के हिसाब से भी, तो इट वॉज अ डिफ़िकल्ट एंड चैलेंजिंग जॉब। और जो एग्जीक्यूशन हुआ, जो हमारे सागिट डेकोरेटर है नामदेव माथे भी अपना सहयोग मिला, उनका भी पूरी टीम का मिला, और बनाने में भी समय लगा, इसके साथ भोजनशाला भी बनाए, एजेंसी एक ही थी, तो मेरे साथ जो पंडाल की टीम जुड़ी उसके मुख्य रूप से मेरे साथ जो जुड़े, जो दायित्व मुझे दिया गया आदरणीय मदन जी भाई साहब ने, व्यवस्था समिति के अध्यक्ष, पूरी टीम, पदाधिकारी की टीम, डीसीजी और सभी का सपोर्ट सहयोग मिला। और सबसे पहले तो मैंने हर एक चीज़ की कॉस्टिंग निकाली, कॉस्टिंग निकालते निकालते इतनी डीप नॉलेज तक हम गए कि क्या क्या चीज़ हमें प्रोवाइड किया जा सकता है, क्योंकि ये बजट वाइज काफ़ी ओवर जा रहा था, तो हमें एक एजेंसी मिल गई, हमें पूरा सहयोग दिया, लगभग 10,000 चेयर भी दी गई, काफ़ी सारी चीज़ें दी है, और लगभग यहाँ पे 10,000 से 12,000 लोग आराम से बैठ सकते हैं। 12,000 मैं यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि यहाँ की जो छतें हैं वो बारिश को ध्यान में रख के बनाई हुई है और बहुत ही उम्दा तरीके से बनाई गई है, इस बारे में भी थोड़ा कुछ बताएं। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि यहाँ पे प्रोफाइल शीट लगी है ऊपर, तो बारिश का आवाज़ आना स्वाभाविक है, जब बारिश गिरती है और जब हमारे प्रवचन होता है, तो ये सब ध्यान में रखते हुए हमने ऊपर एक रबर शीट लगाई है। रबर शीट से क्या होता है, साउंड का इम्पैक्ट थोड़ा कम होता है, बारिश से पानी से भी कुछ नहीं होता, वो निकल जाता है, तो वो हिसाब से रबर शीट का आइडिया है, और रबर शीट हमने लगवाई है, इसमें भी लगी, भोजनशाला में भी लगवाई, तो आपने देखा होगा इम्पैक्ट उसका कम है। भूपेश जी, इस पांडाल के इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए आपने क्या प्लान बनाया था, जैसे कि ये वृक्ष है और बहुत सारे लोगों की, आचार्यों की फोटो है, और इस पूरे पांडाल को कैसे आपने? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने। इंटीरियर प्लानिंग भी एक ऐसा जॉब था जो कि क्या थीम दे और कैसे सिलेक्शन करे, उसके आपने एजेंसी हायर करे, हमने लगभग 6-7 जन से एजेंसी में मीटिंग की, मैं इसके लिए अहमदाबाद भी गया, मैं और सुनील जी वहाँ पे अहमदाबाद जा कर के एक व्यक्ति मिला है जो वहाँ पर एक्सपर्सन का आयोजन था, वहाँ से हम ढूंढ के लाए, अब मीटिंग करी सबको जमा हो, जो आप देख रहे हैं पूरे फैब्रिक के पिलर से रूप से जो गोल्डन में है, काफ़ी सारे लोगों को पसंद आ रहा है, 10 आचार्य 11 आचार्य लोगो है, लोगो भी आपको कहना चाहूँगा, सब LED लाइट वाले लोगो है, नंदन परिसर का गेट भी लाइट वाला लोगो है, और जो आप देख रहे हैं झूमर लगे हुए हैं, एक पूरा रोमन थीम हमने दिया है, रोमन थीम के हिसाब से पूरा उसका डिजाइनिंग है, और वो एजेंसी भी अच्छी है, मतलब कुल मिला के हमें सेटिस्फैक्शन है कि हमें पंडाल का रूप एक अच्छा देखने में, पोडियम देख रहे हैं, पोडियम भी एक बनवाए हैं, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं, टाइल आप देखो ऊपर स्टेज की, वुडन की टाइल है। यहाँ पे मैं पूछूंगी, जैसे कि स्टेज पे गेट पे बना हुआ है ताजमहल है और बाकी सारी चीजें, तो ये इसे क्या संदेश देना चाहते हैं? ये पूरी थीम है, मुंबई की थीम देना चाहते थे हम, तो बाहर से जब व्यक्ति आते हैं तो ऐसा लगना चाहिए कि मुंबई में है, तो ये हिसाब से हमने पूरी मुंबई की थीम डेवलप की, मुंबई के सेटअप है, काफ़ी आपने देखा होगा परिसर के अंदर अलग अलग लोगो है, एक ग्लो पार्क भी आना बाकी वो भी लग जाएगा, आवाज की बता दें, भोजन चलने की बता दें, तो इसमें मेरे साथ पूरी टीम, मैं नाम भी लेना चाहूँगा जो मेरे साथ चंद्रमा के साथ व्यवस्था समिति के अध्यक्ष के साथ मदन जी लाल जी भाई साहब के साथ जो मेरे साथ जुड़े, मुख्य रूप से पारस कोठारी, गौरव कोठारी, दीपक जी, अमित जी, सुनील जी, कल्पेश जी, ऐसे काफ़ी व्यक्ति का मैं नाम लेना चाहूँगा, विकास बड़ाला, जो पूरे हर रूप से जब जब का उन्होंने साथ दिया है, मैं तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ आपने पूरा साथ दे करके इस पंडाल को हम एक लक्ष्य तक पहुँचे, और एक दो चीज़ हमें चाहिए थी उनको मिली, और दूसरी बात पंडाल मैनेजमेंट भी कहूँगा तो पूरी युवा शक्ति का पूरा साथ है, और पूरी 150 दिन की प्लानिंग करके हमने मदद की बैठक होती, और सबको हर एक क्षेत्र को एक मौका दिया है, सभी क्षेत्र सेवा दे रहे हैं, चाहे भोजनशाला हो, पंडाल हो, आवास हो, अन्य सेवा ठिकाण हो, तो सभी लगे हुए, और सभी ने अच्छा साथ दिया, हर परिषद के अध्यक्ष, पूरी टीम, हर क्षेत्र सभी लोग जुड़े, चाहे महिला मंडल भी हो, सभी ने साथ दिया, और पूरा मैनेजमेंट भी उसका हम देख रहे हैं। जी, इस
पूरे पंडाल का फाइनल स्ट्रक्चर कब तैयार हुआ और कब ये डिसाइड हुआ कि हमें यही स्ट्रक्चर रखना है? ऐसा स्ट्रक्चर तो पहली प्लानिंग हो चुकी थी बट काम में समय भी लग गया, जो पाथवे बनाना था वो भी पाथवे पूरा वो एजेंसी ने बनाया। 28 तारीख सुबह मैं कहना चाहूँगा कि 8 बजे तक हमने पूरा काम किया और डे नाइट हम 3 महीने से लगे हुए थे, पेंडिंग काम था वो भी चलते आया, थोड़ा माफ हुआ काफ़ी हद तक, बट 28 सुबह तक हमने इसको काम किया। अभी यहाँ पे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी कि ये जो पंडाल है ये फाइनली इसका काम खत्म हो गया या अभी भी कुछ बाकी? ऐसे तो काम समाप्त हो चुका है पर छोटे मोटे जैसे रिपेयरिंग होते हैं अभी वो चलते रहेंगे, उसका कोई अंत नहीं होता है, तो 5 महीने 7 माह से तो कुछ ना कुछ चलता रहेगा बाकी ऐसा काम। तो जैसा कि आपने देखा ये थे हमारे साथ उपेश जी कोठारी जिन्होंने नंदनवन के प्रवचन पंडाल के बारे में हमें विस्तार से जानकारी दी। नंदनवन में आचार्य महाश्रवण की अनवरत यात्रा का ये पड़ाव देश भर में सुर्खियां बटोर रहा है। यही कारण है कि तमाम जैन जैनेतर श्रावक देश के कोने कोने से यहां पहुंच रहे हैं। इस समय आचार्य श्री की निश्रा में तमाम सभा संस्थाओं के राष्ट्रीय अधिवेशन का दौर चल रहा है, इस वजह से देश भर से कार्यकर्ता नंदनवन पहुँच रहे हैं। हाल ही नंदनवन के आगे के एपिसोड्स में सभा संस्थाओं पर भी फोकस किया जाएगा। हमारी कोशिश है कि आम जनमानस नंदनवन से जुड़े और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर सकें। हमारे इस अभियान में आप भी सहभागी बने और वीडियो के लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।